अगर इसके साथ अगर जस्टिस ठीक से करना है तो इसके पैरेलली जो प्रोसेसर आते हैं वो है मीडियाटेक की तरफ से G80 और स्नैपड्रैगन के 662 और 665। लेकिन आप लोग सीपीयू के बारे में जानना क्यों चाहते हैं? क्योंकि आपको जानना होता है कि वो सीपीयू आपके जो नीड्स हैं उसके मुताबिक अच्छा परफॉर्म कर पाएगा या नहीं, जैसे कि मल्टीटास्किंग, गेमिंग, थोड़ा बहुत कैमरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट बैटरी एफिशिएंसी। दोस्तों, बजट सेगमेंट के अंदर एक नया चिपसेट बहुत सारे फ़ोनों में देखा जा रहा है जो कि यूनिसॉक के चिपसेट्स। एक नया फ़ोन लॉन्च किया गया है मोटोरोला की तरफ से E40, उसमें भी यूनिसॉक के T700 एक नया चिपसेट जो इस फ़ोन में देखा जाएगा। तो बहुत सारे चिपसेट हाल ही में लॉन्च किए गए हैं, इस साल भी लॉन्च किए गए हैं और ये चिपसेट भी मार्च में ही आया था, लेकिन बहुत सारे फ़ोन्स में आते आते ये मतलब जुलाई अगस्त सितंबर हो गया। तो दोस्तों, इस चिपसेट के ऊपर बहुत सारे कन्फ्यूजन है और जो सारे ब्रांड्स इस चिपसेट को यूज़ कर रहे हैं वो एक जो चीज़ है वो हाईलाइट कर रहे हैं जो कि है इसका GPU का फ्रीक्वेंसी कि थोड़ा इसमें ज़्यादा देखा जा सकता है। लेकिन एक चिपसेट का जो परफॉर्मेंस है, जो कि ओवरऑल परफॉर्मेंस है, वो इन सब चीज़ों से एकदम ही जज नहीं किया जा सकता। और अंतुतु स्कोर्स जो कि एक फेमस स्कोरिंग, एक CPU स्कोरिंग जो एक पैरामीटर है और Geekbench जो स्कोर, ये सब बहुत सारे पैरामीटर्स के चलते हुए हम वेरियस CPUs को एनालाइज करते हैं। लेकिन आप लोग CPU के बारे में जानना क्यों चाहते हैं? क्योंकि आपको जानना होता है कि वो CPU आपके जो नीड्स है उसके मुताबिक अच्छा परफॉर्म कर पाएगा या नहीं, जैसे कि मल्टीटास्किंग, डे टू डे लाइफ परफॉर्मेंस और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि है गेमिंग, थोड़ा बहुत कैमरा, जो इमेज प्रोडक्शन है उसमें भी इसका रोल रहता है और जो सबसे इम्पोर्टेंट बैटरी एफिशिएंसी। पहले के जो 3 पॉइंट्स मैंने बताए वो सब कुछ में ये अगर उतर भी जाए लेकिन बैटरी एफिशिएंट नहीं होगा कोई चिपसेट तो कोई फायदे का नहीं। हर समय आपको पावर बैंक कैरी करना होगा, नहीं तो चार्जर के पिन हर समय घुसा के रखना पड़ता है। तो अगर इस प्रोसेसर यूनिसॉक T700 या जो प्रोसेसर है इसके साथ अगर जस्टिस ठीक से करना है तो इसके पैरेलली जो दो प्रोसेसर आते हैं वो है मीडियाटेक की तरफ से G80, इसके साथ एकदम मतलब नेक टू नेक फाइट होगा इसका, और स्नैपड्रैगन के 662 और 665। अगर देखा जाए तो ठीक से 665 से इसका जो कंपैरिजन किया जाए तो सबसे अच्छा रहता है। तो दोस्तों, वीडियो शॉर्ट ही होगा, एकदम स्किप मत करना और नहीं तो आपके अंदर कन्फ्यूजन रह ही जाएगा और इस वीडियो में मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा। तो ज़्यादा बात ना करते हो, चलिए वीडियो के डिटेल में घुसते हैं। दिस इज टेक्नो गाइड एंड वेलकम टू माई चैनल, लेट्स टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कंपैरिजन करेंगे स्नैपड्रैगन के 665, यूनिसॉक के T700 और हेलियो G80, इन तीनों CPUs के ऊपर एकदम नेक टू नेक एकदम कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि अंतुतु स्कोर्स जो है वो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूंगा, लेकिन अंतुतु स्कोर क्या होता है, एक ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से एक स्कोरिंग होता है जिससे कि मतलब कुछ भी पता नहीं चल सकता आपको। जैसे कि ओवरऑल परफॉर्मेंस में, ओवरऑल अंतुतु स्कोर में शायद कोई CPU आगे रह भी सकता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक लाइक GPUs के या फिर CPUs के या फिर सिंगल कोर्स या फिर मल्टी कोर्स परफॉर्मेंस में कोई CPU ज़्यादा आगे रहता है और वो चीज़ शायद किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए अच्छा होता है। जैसे कि गेमिंग, तो गेमिंग के लिए शायद दूसरा CPU अच्छा हो सकता है लेकिन उसका ओवरऑल जो अंतुतु स्कोर है वो कम है, लेकिन आपको चाहिए गेमिंग तो आपके लिए वो CPU सही रहेगा। और एक चीज़ जो है, इस वीडियो में मैं ज़्यादा मतलब अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन एकदम भी नहीं दूंगा, जैसे कि बहुत कुछ होते हैं GPUs के, अगर मैं कहूँ फ्रीक्वेंसी होता है, शेडिंग यूनिट्स होते हैं, फ्लॉप्स होते हैं, ये सब बहुत चीज़ है। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको सिर्फ GPU के फ्रीक्वेंसी, शेडिंग यूनिट्स, ये सब सारी चीज़ें चाहिए। CPU के भी कितने नैनोमीटर पर बेस्ड है, उसका आर्किटेक्चर क्या है, ऐसे चीज़ों के जानना आपके लिए ज़रूरत है। तो नेसेसरी जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वही मैं दूंगा और उसके हिसाब से कंपैरिजन करूंगा और चार चीज़ों के ऊपर करूंगा, कैमरा परफॉर्मेंस, डे टू डे लाइफ परफॉर्मेंस और गेमिंग परफॉर्मेंस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में वो बैटरी एफिशिएंट है कि नहीं वो भी मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, आपको लग सकता है कि यहाँ पे स्नैपड्रैगन 665 थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा या फिर G80 थोड़ा कमज़ोर है T700, ऐसा नहीं है। यही पर अगर हम स्नैपड्रैगन के जो 665 है इसका अगर स्पेसिफिक CPU के अंतर्गत स्कोर की बात किया जाए तो 66,000 के आसपास आता है और वहीं पर जो T700 रहता है उसका 70,000 के आसपास रहता है अंतुतु स्कोर CPU का, सिर्फ स्पेसिफिक CPU का। और हेलियो G80 का रहता है 73,000 जो कि T700 से ज़्यादा है। और अगर हम GPU के स्कोर देखें तो T700 का रहता है 40,000 के आसपास और G80 का जो रहता है GPU का अंतुतु स्कोर वो रहता है 37,000, वहीं पर स्नैपड्रैगन का रहता है 34,000 के आसपास। दोस्तों, बहुत कुछ फ़र्क नहीं है, जस्ट नए नए CPUs लॉन्च किए जाते हैं गिमिक क्रिएट करने के लिए, इधर उधर कर दिया जाता है, कहीं का रैम फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है तो कहीं का CPU का अंतुतु स्कोर ज़्यादा पाया जाता है। तो ओवरऑल नंबर गेम होता है, नंबर को बढ़ा चढ़ा के आपको प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन आपका जो नीड है उसके हिसाब से आपको जानना होगा आपको क्या ज़रूरत है, वो मैं डिटेल में बता रहा हूँ। तो दोस्तों, तीनों CPUs है उनका जो कोर डिवीजन रहता है वो 2+6 ऐसे रहता है, जहाँ पे G80 का रहता है जो प्राइमरी कोर्स रहते हैं वो कॉर्टेक्स A75 और सेकेंडरी जो रहता है वो रहता है कॉर्टेक्स का A55, और T700 का भी सेम ही है A75 और A55 रहता है, लेकिन जो स्नैपड्रैगन है वो
A73 और A53 रहता है, प्राइमरी कोर्स रहता है और जो सेकेंडरी कोर्स रहते हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन 2+6 में ही रहेगा। लेकिन ये जो इनका जो मतलब फ्रीक्वेंसी है अगर देखा जाए तो कोर्स के कितने क्लॉक स्पीड पे क्लॉक्ड है, T700 का रहता है, प्राइमरी सेकेंडरी जो दोनों ही फ्रीक्वेंसी रहता है वो रहता है 1.8 गीगाहर्ट्ज़ का। G80 का रहता है 2 गीगा प्राइमरी क्लॉक स्पीड और जो सेकेंडरी क्लॉक स्पीड रहेगा 6 कोर्स की वो रहेगा 1.8 गीगाहर्ट्ज़ का। और स्नैपड्रैगन 665 का भी सेम ही रहेगा, 2 गीगाहर्ट्ज़ प्राइमरी क्लॉक स्पीड रहेगा और 1.8 गीगाहर्ट्ज़ सेकेंडरी क्लॉक स्पीड रहेगा। दोस्तों मैं जानता हूँ बहुत ही कन्फ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन यहाँ पे जो विनर अगर ठीक से देखा जाए तो वो 665 और G80 रहता है। और दोस्तों यहाँ पे और एक चीज़ देखने की ज़रूरत है, सिंगल कोर्स की अगर बात किया जाए तो 356 रहता है T700 का सिंगल कोर्स का परफॉर्मेंस गीगबेंच जो स्कोर्स है, और मल्टी कोर्स का रहता है 1322। यही जो सिंगल कोर्स का परफॉर्मेंस रहेगा 357 रहेगा हेलियो G80 का, और जो मल्टी कोर्स का परफॉर्मेंस रहेगा वो रहेगा जो स्कोरिंग हो रहेगा वो रहेगा 1322। दोस्तों मल्टी कोर्स तो सेम ही रहेगा हेलियो G80 और T700 का, लेकिन सिंगल कोर्स अगर देखा जाए तो थोड़ा एकदम स्लाइडली 1 स्कोर ज़्यादा रहता है G80 का सिंगल कोर का। लेकिन यही पे अगर बात आए जो सिंगल कोर्स का 665 का स्नैपड्रैगन का वो रहता है 312, लेकिन जो मल्टी कोर्स रहता है वो रहता है 1341, जो कि मल्टी कोर्स का परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो वो गेमिंग में सबसे ज़्यादा GPU में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो गेमिंग के लिए थोड़ा सा भी होगा तो ये 665 अच्छा रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों गेम सब सेम ही खेल पाएंगे, 30 FPS भी खेल पाएंगे, तो थोड़ा परफॉर्मेंस अगर अच्छा होगा तो थोड़ा भी अगर CPU के हिसाब से देखा जाए तो 665 का और लियो G80 का ही रहेगा। अभी हम जाएंगे जो GPU के ऊपर, GPU फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हाईलाइट किया गया है यूनिसॉक के T700 का थोड़ा ज़्यादा है। स्नैपड्रैगन के 665 का जो GPU का फ्रीक्वेंसी रहता है वो 600 MHz का रहता है, वहीं पे T700 का रहता है 850 MHz का, जो कि ज़्यादा है, मतलब जो GPU का ग्राफिक्स का प्रोसेसिंग है वो फास्ट होगा T700 में। लेकिन G80 का अगर देखा जाए तो रहता है 950, मतलब बहुत तो नहीं लेकिन ज़्यादा है। और दोस्तों GPU में बहुत कुछ देखने की ज़रूरत है, लेकिन ये अब जो मतलब फ्रीक्वेंसी यही मेन चीज़ होता है, और एक होता है फ्लॉप्स होता है और शेडिंग यूनिट्स होता है। दोस्तों शेडिंग यूनिट्स G80 और T700 दोनों में 32 देखने को मिल जाएगा, लेकिन स्नैपड्रैगन 665 का सबसे ज़्यादा 96 बहुत ही आगे रहता है। ये बाकी सारे जो पैरामीटर्स है वो आपको मतलब कन्फ्यूज़ कर देगा, तो इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, बहुत कुछ है इसके अलावा भी। अब दोस्तों GPU का और एक पोर्शन जो है जिसका रोल रहता है GPU का वो है कैमरा इमेज प्रोसेसिंग। तो इमेज प्रोसेसिंग में अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा अगर मैं कहूँ तो रहेगा 665। क्यों, आप देख सकते हैं इधर इमेज कंप्रेशन जो रहता है वो 87.65 तक रहता है, 87.65 मेगापिक्सल तक, वही T700 का रहता है 83.5 का, और हेलियो G80 का देखा जाए तो 79.2 इमेज कंप्रेशन, कितना कंप्रेस कर दो कितना कम कर दे पाएगा मतलब जो मेमोरी होता है वो। दोस्तों इमेज पर सेकंड देखा जाए तो ये भी स्नैपड्रैगन के 665 का ज़्यादा ही रहे, 10.9 इमेज पर सेकंड, जो कि फ्रेम पर सेकंड होता है ना वीडियो में, वैसे इमेज पर सेकंड मतलब कितना शटर स्पीड होगा, वो कितना ज़्यादा मतलब इमेज को प्रोसेस कर रहा है। और T700 का रहेगा 9.48, वही रहेगा अगर हम देखें G80 का वो रहेगा 8.63। तो दोस्तों यहाँ पे क्लियर विनर हो रहा है स्नैपड्रैगन के 665। और लास्ट में जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, बैटरी एफिशिएंसी, सब कुछ अच्छा है लेकिन बैटरी एफिशिएंट नहीं होगा, हीट होगा ज़्यादा, जल्दी से बैटरी डिस्चार्ज कर देगा तो सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा दोस्तों। तो बैटरी एफिशिएंसी में स्नैपड्रैगन के 665 बहुत ही आगे रहते हैं, इवन T700 से जो स्नैपड्रैगन का 460 है वो भी बहुत आगे रहता है। दोनों ही T700 और जो G80 दोनों ही 12 NM आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, लेकिन यहाँ पे G80 थोड़ा ज़्यादा ऑप्टिमाइज होने के कारण बैटरी एफिशिएंसी ज़्यादा है T700 से, और 665 जो है स्नैपड्रैगन का वो बहुत ही आगे रहता है बैटरी एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। और अगर मल्टीटास्किंग और डे टू डे लाइफ परफॉर्मेंस की बात किया जाए तो यहाँ T700 सबसे ज़्यादा डे टू डे लाइफ परफॉर्मेंस अच्छे से निभा पाएगा। जो लोग एकदम कॉलिंग, कैलकुलेटर, कैलेंडर, ये सब थोड़ा यूट्यूब सर्फिंग, ये सब थोड़ी चीज़ों से ही दिन चला लेते हैं, तो इनके लिए T700 बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर कम दाम में आ जाता है 9000 या 10000 के नीचे या 9000 के आसपास अगर मिल जाता है तो इस प्रोसेसर इस चिपसेट के साथ, तो ये वैल्यू फॉर मनी हो सकता है। दोस्तों अगर गेमिंग के लिए खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों मैं कहूँगा सबसे अच्छा जो रहेगा हेलियो G80 और स्नैपड्रैगन के 665। और गेमिंग तो तीनों में ही 30 FPS पे ही कर पाएंगे अच्छे से। कैमरा में सबसे अच्छा रहेगा 665, जिसका कैमरा प्रोसेसिंग और इमेज प्रोडक्शन भी सबसे अच्छा होगा। तो दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, और थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल रहेगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई भी आपके अंदर कन्फ्यूजन है, कुछ भी जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला है, बेझिझक कमेंट कीजिए, मैं डिटेल में उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ और दूंगा भी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दिस इज टेक्नो गाइड साइनिंग आउट।